तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मज़े में हूँ। तो अभी मेरा काम फिनिश हुआ है, देखिए इतने सारे कपड़े धुले हैं। और कपड़े सुखाने के तरीके से आप पहचान लीजिए कि ये कपड़े किसने फैलाए होंगे। ये कपड़े मैंने नहीं फैलाए हैं, ये कपड़े श्रेया ने फैलाए हैं। तो देखिए, एक दूसरे के कपड़े अगर सूखते तो वैसे नहीं सूखेंगे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर कपड़े डाले हुए हैं। तो कपड़े बहुत ज़्यादा थे, कल धुलने थे मेरे को, लेकिन तबीयत ख़राब थी, बताया ही था आपको, तो इसलिए कपड़े नहीं धुल पाई थी कल। तो आज कपड़े धुले हैं, सुबह में कोई गेस्ट था इसलिए लेट हो गई हूँ आज कपड़े धुलने में। और अभी भी कोई आने वाला है, बहुत ख़ास बहुत ख़ास, तो हो सकेगा तो ज़रूर मिलवाएंगे, लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं है कि वो आएंगे कैमरे के सामने। लेकिन अगर आए तो देखते हैं, मिलवाते हैं। तब तक आप गैस कीजिए कि कौन आने वाला है। बहुत मतलब दिल के करीबी लोग, बहुत ज़्यादा करीबी। अभी वो लोग आने वाले हैं, आ गए हैं छुटमलपुर तक। तो छुटमलपुर से अभी 1 घंटा लग जाएगा, अभी 4 साढ़े 4 का टाइम हो रखा है, 4:30 हो गए होंगे शायद। तो नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या काम करना है, और फिर बनाएंगे खाना। खाने में देखते हैं क्या बनवाएंगे, कि क्योंकि जो भी बनाना होगा उन्हीं के हिसाब से बनाना होगा। बहुत ज़्यादा परहेज करने वाले हैं, इसलिए जो भी बनाऊंगी उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाऊंगी। तो ये देखिए, मेरा स्टैंड बेचारा यहाँ रखा रहता है, इसके जो है वो टूट गए हैं पाए, तो इसलिए यहाँ खड़ा रहता है। और अभी जा रहे हैं नीचे, नीचे देखेंगे क्या हाल चाल है, क्या काम करना है। तो अभी आ गए हैं नीचे और लाइट कर देते हैं ऑन। तो अभी देखिए, वैसे तो मोस्टली सब है, ये देखो बुक कहाँ पड़ा और कहाँ बुक रखी गई है। तो चलिए इसको रख देते हैं इसकी जगह पर। ये दूसरा कमरा है, लाइट ऑफ कर रखी है, सब सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक। कंप्यूटर, सॉरी लैपटॉप, लैपटॉप रख देते हैं क्योंकि बच्चे भी हैं साथ में, और वैसे तो हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सही सा लगता है। नाल रख देता है कहीं भी कुछ भी, इसको यहाँ रख देते हैं। उसकी पानी की बोतल है, रात में पानी रखता है। और ये हो गया हमारा सेट रूम। तो आप गैस कीजिएगा तब तक कौन आने वाला है। और ससुराल साइड से कोई है तो भैया आप आइडिया लगाइए। बर्तन पड़े हुए हैं,
शानू, हेलो, आपकी नहीं बन रही है। ये कौन है? आपकी नहीं बन रही है। ये है मेरा प्यारा सा देवर। प्यारा लग तुम रही है, प्यारा थोड़ा के पहले मैं मसाज मजबूरी करके ये है मेरी बुआ जी। कितना मुंह बोल के कर रहा है। चलो बाय 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 नहीं बाय बाय नहीं। आपने मुझे तो पहली बार ही देखा होगा। वैसे भी मैं इस वीडियो में पहली बार ही आई हूँ। ये है मेरी आश्विन। यह पागल हो बहुत अच्छी लगेगी वीडियो है ना। ये बिल्कुल नहीं पड़ती है, सारे दिन घूमती है, मेरा तुम मेरा तुम करती है। ये बहुत अच्छी लड़की है, ताई जी की प्यारी बेटी। अब तो नहीं बता रहेगा कि तुम लोग अंदर। ये एक मेंबर और है हमारा, वीडियो में आना नहीं चाह रहा है। ये मेरी प्यारी सी देवरानी। नहीं एक नीचे भी था, एक घूम रहा था भी निया निया करके। घुंगरू था क्या वो? घुंगरू था क्या वो छोटंग? इंतजार खत्म हुआ। ये हैं जिनको मैं बोल रही थी आने वाले थे। ये मेरी बुआ जी हैं। ये बुआ सास मतलब वो जिनसे मिलाया है। और ये मेरी बेटी है। मैं हूँ सुंदर लड़का। सही नहीं आ रहा भाई सुंदर। अच्छा सुंदर सही नहीं आ रहा। ऊपर अंधेरा आ गया। उधर जा के बना कैप उतारो अपनी। कैमरा मत दिखाओ। इधर जा खड़े हुए हो। चल भाई इधर हो। अब बता। हाय हम लाए हैं सोन पापड़ी लेंगे। हाय तो चलिए अब हमने आपको सबसे मिला दिया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में अभी मैं दूध कर रही हूँ। ये दूध करने के बाद फिर हम बनाएंगे खाना। मटर मशरूम राजमा बना है, चावल बने हैं और बना है हमारा कद्दू। तो ये सब अभी मटर मशरूम बनाएंगे। मटर मशरूम के आपको वीडियो दिखाएंगे। तो एक तरफ दूध करने के लिए रख दिया है मैंने और दूसरी तरफ मैं प्याज काट रही हूँ मशरूम बनाने के लिए। इधर मैं साथ के साथ बात भी कर रही थी। तो ये देखिए तेल गर्म हो गया था, तेल प्याज डाल दिए। और प्याज डालने के बाद इसको अच्छे से ब्राउन कर लिया। फिर हमने धनिया पाउडर डाल दिया, हल्दी नमक मिर्च मसाले सब डाल दिए हैं। और अब इसको ब्राउन करेंगे थोड़ा सा। ब्राउन करने के बाद इसमें टमाटर ऐड कर दिए हमने। और टमाटर अदरक का पेस्ट है ये। तो आज हम लाल मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि ये लोग कोई भी नहीं खाता है लाल मिर्च। तो हमने ये पूरा अच्छे से ग्रेवी तैयार कर ली है मटर मशरूम की। और ये मैं डाल रही हूँ मलाई, ताजी मलाई है दूध की। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसको हम घुमा देंगे। एक तरफ मैंने मटर रखी हुई है उबाल करके, मटर वो मैंने उबाल लिए हैं थोड़ा सा। और ये मशरूम डाल के इसको थोड़ी देर तक मैं ऐसे ही चलाऊँगी। ये डाल दिया हमने नमक। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद अब हम डाल रहे हैं ये मटर। तो ये देखिए अब इसको अच्छे से हम हरा धनिया डाल करके कर देंगे रेडी। तो ये हमारी सब्जी रेडी हो गई है, मटर मशरूम। बहुत टेस्टी सब्जी है, आप भी ट्राई कीजिएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। बाय बाय।